तीन दिन बाद भी कोनों में वापस नहीं पहुंचा ओवांछिता। ग्रामीणों में व्याप्त है दहशत का माहौल। कोनों नेशनल पार्क के सेफ जोन से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा ओवांछिता तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोनों में वापस नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि वन अमला चक्कर घनी बना हुआ है। चीते की लोकेशन मौजूदा हालातों में नहाड़ सीलपुरा इलाके में देखी जा रही है और बताया यही जा रहा है कि लगातार शिवपुरी इलाके की ओर जा रहा है। हालांकि चीता अभी शिवपुर जिले की सीमा में है। चीते पर वन विभाग की टीम लगातार निगाह बनाए हुए है। वहीं बताया जा रहा कि कोनो नेशनल पार्क के सेफ जोन से निकलने के बाद चीते ने तीन दिनों में अभी कोई शिकार नहीं किया है। चीता लगातार रिहायशी इलाकों के आसपास बना हुआ है। वहीं चीते के रिहायशी इलाकों के पास बने रहने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि नदी और ठंडे स्थानों पर अटक खलिया करने के साथ ही रिहायशी इलाकों में निरंतर तीन दिन से घूम रहा ओवांछिता कब तक कोनों में वापस लौटता है। इस पर वन विभाग के साथ ग्रामीण भी निगाह लगाए बैठे हुए हैं। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास रिपोर्ट। भाई साहब बहुत खतरा है, अभी तीन दिन हो गया जंगल में घूम रहा है। चीता है, मैं मवेशी भैंस के लेने के गया था, मैंने भी देखा था, जो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और इसमें तार जाली जंगल में लगना चाहिए और लोगों को बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। अभी तक कोई किसी से सताया नहीं, अभी तक बच्चा बच्ची लेडीज जंगल में घूमती है, लकड़ी लेने जाती है, कोई भैंस पहाड़ी घेरने जाते हैं, कोई ज़मीन जोत रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल रात बरात अकेले आ रहे हैं। और जो कराए से लगा के कोरस कलमी लगा के काई तलाई ऊपर तक पूरा जंगल ही जंगल है मान लो आप। तो ये मेरा कहना है कि अभी जितनी हो सके तो ये पूरी तार जाली की व्यवस्था हो ही जाओ। मतलब ठीक है, चीता बाहर घूम रहा है। चीता बाहर घूम रहा है। चीता जो बाहर घूम रहा है इसको लेकर कैसा माहौल है, क्या डर का माहौल बना हुआ है, क्या स्थिति है? डर तो है सर, डर तो है बाहर घूम रहा तो डर तो है। गांव में क्या माहौल है? माहौल अभी तो क्यों चीता के मार से, और कोई डर तो है, कहीं भय बन जाए, कहीं आ जाए सामने रास्ते में, कहीं भी आ जाए तो कोई आदमी को हादसा भी कर सकता है। बाहर घूम रहा यानी स्थिति ये है कि गांव के अंदर चीते को लेकर अभी डर बना हुआ है। सर ओवांछिता जो कोनो सेंचुरी में लौटा है या नहीं, क्या लोकेशन है उसकी? ओबान अभी जो हमारा कोनो वनमंडल का ही एरिया है, अग्रा रेंज का एरिया है, उसमें उसके पास में जंगल में है। अभी एनिमल प्रारंभ में एक्सप्लोर करता अपना एरिया, उसी हिसाब से वो बाहर का एरिया और मतलब हमारा लगा हुआ कोनो वनमंडल का एरिया है। बीच बीच में कुछ गांव बफर एरिया है, बफर एरिया में कुछ गांव भी होते हैं, तो वहाँ तक भी खेत वेत तक चले जाते हैं एनिमल, लेकिन उससे किसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि चीता किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है। सर तीन दिन से चीता बाहर है, उसने कोई शिकार किया या नहीं? नहीं, बाहर में तो अभी कोई ऐसा शिकार नहीं किया है उसने। वो अंदर चूँकि था तो वहाँ पर उसने किल किया था लास्ट, उसके बाद अभी तो नहीं किया है। सर देखा जा रहा है चीता पानी की जगह पे ही रुका हुआ है, क्या उसे गर्मी लग रही है वातावरण के अनुकूल? ठंडक तो हर आदमी गर्मी के समय में तो कोई भी आदमी भी होगा तो शायद देख करके रुकना चाहेगा ना, तो जानवर है वो भी ठंडक देख करके रुकता है।